If you are unable to understand Hindi, please turn on English captions. Hello everyone, welcome to Expert Opinion India. आज की तारीख है 16 अप्रैल 2021 और आपको ट्रेलर ओ सॉरी आपको थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। ट्रेलर तो हम डालते नहीं हैं, आप क्या 10 मिनट के वीडियो का भी ट्रेलर डालें? क्या स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। हाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा टॉपिक क्या है। इज एस आर के एन इररिस्पॉन्सिबल स्लैश अनसपोर्टिव ओनर। तो पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाके देखते कि हुआ क्या था। 13 अप्रैल दैट इज ट्यूजडे को एक आईपीएल का मैच था, एमआई वर्सेस केकेआर, जिसमें एमआई ने केकेआर को टारगेट दिया 152 का और केकेआर ने बहुत बुरी तरीके से हारे। कुछ कुछ सुनने में आ रहा है 30 बॉल्स में 31 रन्स बनाने थे लेकिन फिर भी 10 रन से हार गए। एमआई ने बहुत ही तगड़ी तरी एमआई ने मतलब इतनी बढ़िया जीत की है, मतलब एमआई ने अच्छा खेला है। तो उसके ऊपर केकेआर की हार हुई, काफ़ी बुरी हार हुई जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म पहले से ही मिल रहा था और इस क्रिटिसिज्म पे थोड़ी सी मतलब अभी रतन आग में और आग बढ़ाना उसके लिए ये कटआउट देख सकते हैं आप द इंडियन एक्सप्रेस का। केकेआर को ओनर शाहरुख खान अपोलोजाइजेस टू फैंस फॉर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मतलब ठीक है चलो उन्होंने कहा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय केकेआर और अब माय अपोलोजीज टू ऑल केकेआर फैंस, ऐसा कुछ था। जिसके ऊपर ही आप और एक देख सकते हो इंडिया टुडे का आर्टिकल, आंड्रे रसल उसी मैच के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान जी के ट्वीट के ऊपर कहते हैं वी आर डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है चलो ये एक्शन रिएक्शन, आंड्रे रसल ने भी रिएक्शन दे दिया। आप नीचे देख सकते हो बट ऑल्सो ही एडेड दैट ही इज प्राउड ऑफ द टीम। जस्ट ऐसे ही थोड़ा मुझे लगा ये हाईलाइट कर देता हूँ। तो चलो ये ट्वीट तो हो गया, चलो उन्होंने एक्शन इनका रिएक्शन चलो ठीक है। लेकिन अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये मैं क्यों कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल ओनर था। तो मैं पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबल ओनर, एक रिस्पॉन्सिबल और एक सपोर्टिव ओनर क्या होता है। चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं मुंबई इंडियंस नीता अंबानी। तो आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस ने कितनी बार मतलब इससे पहले आई थिंक सो 4 या 5 सीजन में मुंबई इंडियंस ने स्टार्टिंग के 6 से 7 मैचेस हारे। यू कैन चेक इट, हाँ स्टार्टिंग के लगातार 7 मैचेस 6 मैचेस 5 मैचेस से हार दी गई है। लेकिन कभी आपने देखा है नीता अंबानी ने कभी मीडिया में आके ऐसा कहीं कहा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस सॉरी फैंस वगैरह वगैरह, कभी कभी देखा है? चलो ठीक है आप बहाना लाओ कि भाई इनके पास तो 5-5 कप है ये क्यों बोलेंगे। तो चलो चलो एक एक इससे बढ़िया एग्जाम्पल देते हो आरसीबी का। आरसीबी ने आज तक एक भी कप नहीं खेला है। ये आप मैच का कटआउट देख सकते हो, ये है 23 अप्रैल 2017, 27th मैच था ये। ये था केकेआर वर्सेस आरसीबी, केकेआर ने 132 का टारगेट दिया था और आरसीबी 49 पे ऑल आउट हो गई थी। सोचो 49 पे ऑल आउट। क्या आपने देखा था आरसीबी के ओनर ने आके पब्लिक में कुछ बोला था? क्या आपने देखा था आरसीबी के ओनर्स ने कुछ ट्वीट किया था ट्विटर पे? नहीं, क्योंकि वो सपोर्टिव थे, उन्होंने बैकग्राउंड में काफी सपोर्ट किया था अपनी टीम को। कभी देखा विराट कोहली ने कुछ ट्वीट किया कमेंट किया ऐसा मतलब डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस या फिर ऐसा पब्लिक में? नहीं ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सपोर्टिव नहीं था, क्योंकि ऐसे जो ट्वीट्स होते हैं जब ये ओनर की तरफ से ऐसे डिसअपॉइंटिंग, ओनर एक रिस्पॉन्सिबल ओनर क्या होता है जो अपनी टीम को सपोर्ट करता है ना कि पब्लिक में आके ऐसी बात, क्योंकि जो सपोर्ट का होता है ना हमेशा अपना बैकग्राउंड में होना चाहिए, कभी पब्लिक के सामने नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? अगर हम अच्छे तरीके से देखे तो भाई इस ट्वीट का तुम्हें मतलब देखो अब तुम बोलोगे कि भाई क्या हो गया, ऐसा अपोलोजी तो कर रहे थे वो एसआर के, माफी तो मांग रहे थे, गलत क्या था उस ट्वीट में? तो भाई गलत ये था कि ऐसे ट्वीट को देखने के बाद में उसका इफेक्ट टीम पे क्या होता है। अब तुम जाके देखो ये ट्वीट के बाद है ना, ये ट्वीट के बाद अब तुम जाके अब 16 तारीख है ना, तुम जाओ तुम केकेआर के जो ऑफिशियल हैंडल है उसके पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखो, वो प्लेयर्स जो प्लेयर्स हैं उनके जो अकाउंट है उनके पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखो, उन्हें उन्हें भर भर के उनके उनको भर भर के गालियाँ पड़ रही है। और तुम कमेंट्स देख लो भाई, 52
50-60% कमेंट्स में उनको गालियां ही पड़ रही कि भाई क्या बेकार टीम है, क्या है ये। और कुछ कुछ मतलब देखो 30-40% कमेंट्स में तो लोग ये भी लिख रहे कि भाई एसआरके का भी दिल दुखा दिया, तुम इतना बुरा खेले कि एसआरके को भी माफी मांगनी पड़ी। मतलब देख रहे हो, तुम ही देख लो, तुम कमेंट्स है वो तुम्हें ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये ट्वीट का फैंस पे कितना अफेक्ट हुआ है। ऐसा लगता है ना, देखने वो कमेंट देखने बाद ऐसा लगता है कि ये ट्वीट के बाद फैंस ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, समझ रहे हो? ट्वीट के बाद फैंस ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं। अभी टीम मैनेजमेंट पे भी प्रेशर आएगा कि भाई ओनर ने बोल दिया डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, तो भाई टीम पे और ज्यादा प्रेशर आएगा और प्लेयर्स और थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करते। सीरियस, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, प्लेयर्स भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करते कि यार ओनर भी ऐसा बोल रहे हैं, अभी ओनर भी सपोर्टिव। क्योंकि देखो एसआरके बहुत कुछ ट्वीट कर सकता था, एसआरके ये भी ट्वीट कर सकता था, वी आर अ स्ट्रॉन्ग टीम, वी हैव वॉन आईपीएल 2 टाइम्स, वी विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, कर सकता था ना ये ट्वीट, लेकिन किया नहीं ना। क्या ट्वीट किया? डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, सॉरी फैंस, ऐसा कुछ ट्वीट किया ना। ट्वीट करने के लिए तो बहुत कुछ था, वो तो सपोर्टिव वे में भी ट्वीट कर सकता था। ये ट्वीट को मैं सपोर्टिव तो बिल्कुल भी नहीं कहता। तो भाई ये तो मैंने अपना ओपिनियन ही स्टार्ट कर दिया विदाउट टाइटल बोले कि भाई वो काफी कुछ कह सकते थे, ये सब कहने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर ये ऐसा कुछ जताना भी था कि भाई वो डिसअपॉइंटेड है, तो पब्लिक में नहीं जताना था, क्योंकि पब्लिक में जताने के बाद इसके काफी एफ्टर इफेक्ट्स होते हैं टीम मैनेजमेंट पे, प्लेयर पे, फैंस पे। फैंस पे तो बहुत ज्यादा हुआ है भाई, अभी तक फैंस वो मतलब क्या क्या, मैं दिखा नहीं सकता फोटोज, इतनी गाली है। मतलब आधा कमेंट सेंसर हो जाएगा, आधा कमेंट मुझे सेंसर करना पड़ेगा वहां पे। तो पता है गालियों, आंड्रे असल का एक इंस्टा पे एक पोस्ट देख रहा था, वहां पे लोग शायरी लिख रहे गालियों की। व्हाट इज दिस मैन? तो इसी के साथ एक डिस्कशन में एंड करना चाहूँगा। सारी फोटोज़ और न्यूज़ कटआउट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप बिल्कुल डिबेट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जब तक आप गालियाँ नहीं देते। आप गाली दोगे मैं कमेंट हटा दूंगा। और इसी के साथ थैंक यू, दी एंड।